हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे सोया चंक कड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सोयाबीन में बहुत सारा प्रोटीन होता है। इसके लिए मैंने सामान लिया है, ये मैंने एक कटोरी सोयाबीन ली है, सोयाबीन चंक, और ये नॉर्मल साइज़ में ही है। थोड़ा सा हम इसमें सोयाबीन क्रस्ट, जो इसका चूरा आता है, वो मैंने 1 टीस्पून लिया है, यानी कि ये वाला साइज़ लिया है मैंने, डिश का चम्मच 1 टेबल स्पून। यही साइज़ मैंने बेसन का लिया है, 3 स्पून लिए हैं ये वाले मैंने, और 250 ग्राम दही लिया है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है, फुल है ये, 1 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज काट रखी है जो कि चॉप्ड है, लहसुन अदरक का पेस्ट है ये 1 टीस्पून है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून है, क्योंकि कड़ी में थोड़ी मिर्चें कम ही अच्छी लगती हैं। बाकी हम इसमें जो तड़के के लिए लेंगे, ये मैंने लाल मिर्च ली है साबुत 4, 1 पिंच हींग ली है, थोड़े से कड़ी पत्ता है और 1/2 टीस्पून राई है। थोड़ा सा इसमें हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्ची लेंगे। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दही को और बेसन को जार में डालेंगे और इसमें इसको फेंट लेंगे, इसको इससे इसमें कोई लम्स भी नहीं रहता है और बहुत ही फाइन ये अच्छा से फिट कर आता है, वरना आप हाथ से बीट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस दही हमने डाला है और बेसन डाला है, इसको हम चला लेते हैं मिक्सी में। तो देखिए बहुत ही अच्छा फिट कर आता है ये इसमें। अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 डिश का चम्मच ऑयल लिया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे। आप ज़रूर फ्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनकर आती है। इसे हल्का से ही हम फ्राई करेंगे करीब 1 मिनट के लिए। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम यहाँ पे पहले गैस को ऑफ कर देंगे, या आप गैस को सिम कर सकते हैं। फिर हम इसमें सूखे मसाले जो है वो सब डाल देंगे, हल्दी, धनिया, मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक। तो हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे हम हल्का सा चलाएंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई हमारी गर्म ही है और मसाले भी सूखे हैं, तो ये आराम से इसमें भुन जाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना दही और बेसन जो हमने फेंट रखा था। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आती है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें पानी, 1 गिलास मैं इसमें पॉट में डालकर ही इसको क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे हम 3 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। गैस को हम ऑन कर देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे लगातार, जब तक कि इसमें एक अच्छे से इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता। जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता, आप इसे चलाना नहीं छोड़िएगा, वरना कड़ी फट जाएगी। कड़ी में अच्छे से उबाल आ रहा है, तो यहाँ पे गैस को हम थोड़ा कम कर देंगे। अब हम कड़ी को छोड़ सकते हैं, ये फटेगी नहीं। आप देख रहे हैं इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है। यहीं पर ही हम इसमें जो सोया हमने क्रश लिया है, सोया का चूरा लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मुश्किल से ये कड़ी आपकी 40 मिनट में पककर एकदम रेडी हो जाती है। तो इसे करीब अभी हम 10 मिनट इसी तरीके से इसको लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। कड़ी गाढ़ी होने पर आ गई है, इसी में हम सोया चंक ऐड कर देंगे। ये मैंने वॉश कर लिए हैं और इसको डालकर अभी करीब हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे। कड़ी को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं, इसे हम लो फ्लेम पर ही पका रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर हमारी कड़ी रेडी होने वाली है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे और हरा धनिया। जब सोयाबीन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और
निकल जाए, चेक कर लें आप उसको, फिर आप इसे गैस को ऑफ कर दें। यहाँ पे हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम तड़के की तरफ चलेंगे। यहाँ मैंने पैन में 3 डिश के चम्मच ऑयल लिया है और इसमें हम डालेंगे राई, साबुत मिर्चें और कड़ी पत्ता, और यहीं पे हम डालेंगे हींग इसमें। बस इसे हम कड़ी पर डाल देते हैं। सोयाबीन चंक कड़ी बनकर रेडी है। आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ इसको एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। गुड बाय। हैव अ गुड डे।